जय हिंद। अभी आप देख रहे होंगे यूएई और इसराइल के बीच में जो समझौता हुआ है उसको लेके तुर्की और पाकिस्तान मलेशिया ये लोग का एक अलग रुख है। और उधर आप देखे होंगे कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे पाकिस्तान गए थे तो उनको पानियों के लिए नहीं पूछा सब। तो आखिर ये सब विवाद है क्या और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो फिलिस्तीन और इसराइल का विवाद है। अभी ये जो साल चल रहा है 2020 है और इस विवाद की शुरुआत हुई थी 1920 यानी 100 साल की बात को। तो ये जो 100 साल की हिस्ट्री है इसको हम लोग कंप्रेस करके समझाते हैं। जैसे क्या होता है कि कहीं 4 GB का कोई फाइल है उसको कंप्रेस करते हैं तो 1 GB का हो जाता है ना, वैसे ये 100 साल को कंप्रेस करके इसको हम लोग बहुत जल्दी शॉर्ट में समझ जाते हैं। देखिए जो ये फिलिस्तीन का विवाद देख रहे हैं ना, इस विवाद को पैदा किया था एक्चुअली में इंग्लैंड, और इंग्लैंड पर किसी ने आरोप ही नहीं लगाता था। एक दौर था जब 1920 का जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तो पूरी दुनिया में इंग्लैंड ने घूम घूम के कब्जा कर रखा था। उसी समय इसने इंडिया पाकिस्तान वगैरह पे भी कब्जा किया था। अब ये वाला जो रीजन है ये आपका फिलिस्तीन वाला एरिया, यहां पहले एक देश था फिलिस्तीन और ये फिलिस्तीन आता था ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत। यहां अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये ऑटोमन एम्पायर का था, ऑटोमन साम्राज्य का। ये तुर्क कहे जाते थे ऑटोमन साम्राज्य वालों का, और इनका नहीं जमता था ये अरब वालों से। तो ये एरिया था अरब वालों का, ये एरिया था ऑटोमन का। जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था वो 1914 से 1918 के बीच में चला, 1919 में वो वर्साई की संधि द्वारा खत्म हो गया। ये प्रथम विश्व युद्ध में बताएंगे कि क्या क्या हुआ था उसमें। अब इस प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो था बाकी सारे वेस्टर्न कंट्री मिलकर इस ऑटोमन साम्राज्य पर धावा बोल दिए और इसका बिखराव चालू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में इजराइल के जो यहूदी थे, इजराइल तो उस समय कोई देश ही नहीं था, वो तो इधर बना है, तो यहूदी जिन्हें हम ज्यूज कहते हैं उन पर हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत अत्याचार किया, खोज खोज के मारना चालू किया यहूदियों को। जबकि यहूदी इस दुनिया में उनका अपना कोई देश नहीं था, जहां तहां थे, वो बहुत ही अमीर और बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं यहूदी। तो इंग्लैंड ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इस ऑटोमन साम्राज्य को बर्बाद करके और वहां एक नया देश बसा दें यहूदियों के लिए। तो इसने क्या किया, यहूदियों का मसीहा बनने के लिए, यहूदियों का समर्थन पाने के लिए, उनका दिमाग, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके पैसा का उपयोग करने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया, 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन कर दिया। ये घोषणा किया कि भाई हमारे हिसाब से ना जो ये मिडिल ईस्ट का एरिया है, यानी मिडिल ईस्ट मतलब एशिया के पश्चिम वाला जो एरिया है, तो उस एरिया को क्या किया जाए, वहां पर जब तुर्की का विभाजन कर दिया जाएगा तो वहां पर एक देश बनाया जाएगा, उसका नाम रहेगा इसराइल। फिलिस्तीन को हटा के क्या बना देगा, इसराइल बना देगा, जहां यहूदियों के लिए रहने का जगह हो। इससे क्या हुआ कि यहूदी जितने थे वो यहूदी इंग्लैंड के फेवर में चले गए, उनको पैसा टेक्नोलॉजी सब मिलने लगा। लेकिन इंग्लैंड ये देने वाला नहीं था, ये 17 में घोषणा किया यहूदियों से कि हम ज्यूज से कि हम तुम्हें देंगे, यहूदी और ज्यूज एक ही चीज है, इंग्लिश हिंदी का अंतर है। अब उससे एक साल पहले 1916 में इंग्लैंड ने ब्रिटेन इससे फ्रांस से घोषणा किया था कि भाई हम लोग जब ये प्रथम विश्व युद्ध जीतेंगे ना तो बराबर बराबर बांट लेंगे, तुम ले लेना फिलिस्तीन, यहाँ इनसे कर रहा है फिलिस्तीन तुम लेना रहा। अब बेलफोर डिक्लेरेशन में कहा कि फिलिस्तीन हम इसराइल को दे देंगे। और 1916 में फ्रांस को कहने से पहले एक साल पहले 1915 में मक्का यानी अरब के राजा के कह दिया था कि हम आप हमारा साथ दीजिए प्रथम विश्व युद्ध में, फिलिस्तीन हम आपको दे देंगे। देखिए 3 जगह बोल दिया कि हम आपको देंगे, इसका मतलब ये किसी को देने वाला नहीं है। यहूदियों का साथ मिलने के बाद और इधर से मक्का के राजा का जो यहां से साथ मिल गया, मक्का के राजा को लग रहा था कि फिलिस्तीन हमको देगा, यहूदियों को लग रहा था फिलिस्तीन हमको देगा, फ्रांस को लग रहा था फिलिस्तीन हमको देगा। इनका साथ मिलने के बाद 1918 के बाद ये जब युद्ध जीता गया तो 1920 का जब वक्त आया तो ये तुर्की का विभाजन कर दिया गया, बांट लिया सब ये ऑटोमन साम्राज्य को। उधर फ्रांस ले गया, कुछ ये ले गया, कुछ ये ले गया। 1920 तक में इन लोगों ने क्या कर लिया था, इसे बांट लिया था। आप देखेंगे ये एरिया बांट लिया, जैसे मन देख रहे हैं लग रहा है जैसे केक काटा हुआ है, एकदम बढ़िया से काट कूट के लेके चला गया। अब इसमें ये वाला एरिया आ जाता है फिलिस्तीन वाला। अब लोगों को लग रहा था कि फिलिस्तीन भाई अब किसको मिलने वाला है, तब तक 1920 में गठन हो गया लीग ऑफ नेशन का। अब ये लीग ऑफ नेशन उठा ना तो 1920 में कह दिया कि देखिए फिलिस्तीन एक डिस्प्यूटेड एरिया है, अब हम किसको किसको देंगे, उससे अच्छा हम ये इंग्लैंड को दे देते हैं। ये उठा के सौंप दिया, ब्रिटेन को दे दिया 1922 में। अब ब्रिटेन के लोग सब पूछने लगे फ्रांस हमको दो, सऊदी अरब कह रहा हमको दो, यहूदी हमको दो। तो फ्रांस ने कहा कि देखिए भैया हम ये किसी को देने वाले नहीं है, पहले हम यहाँ पर लोगों को शिक्षा देंगे और शिक्षा देंगे उसके बाद जो लायक होगा उसे हम सत्ता सौंप देंगे। अब यहाँ ईसाई भी रहते थे, ज्यूज यानी यहूदी भी रहते थे, जैसे क्रिश्चियन को हम ईसाई कहते हैं ज्यूज को यहूदी कहते हैं, तो मोहम्मदन को हिंदी में मुस्लिम कहते हैं, तो ये लोग रहते थे। इन लोगों को अलग अलग शिक्षा देने लगा।
और इन लोगों में दंगा फसाद चालू कर दिया। यहाँ पर दंगा फसाद जब होने लगा 1922 के बाद, तो एक मील कमीशन का गठन किया। मील कमीशन ने कहा कि फिलिस्तीन को तीन भाग में बांट दो, यहूदियों को दे दो, मुसलमानों को दे दो, ईसाइयों को दे दो। लोगों ने इसका विरोध किया। इंग्लैंड जानबूझकर चाहता था कि यहाँ पर एक एरिया हमेशा डिस्टर्ब रहे, क्योंकि इंग्लैंड को पता था कि एशिया का पश्चिमी भाग, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, 17 हो गया, आप गिनते रहिएगा इसको। इसमें देखेंगे तो ये जो मिस्र है, ये भले एशिया में नहीं आता है, ये अफ्रीका में आता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इसको भी काउंट किया जाता है। ये सारे मुस्लिम कंट्री थे और इनके पास पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार था, खनिज बहुत ज्यादा थे। तो इंग्लैंड जानता था कि अब हम भले इसको हम लोग क्या करना है कि हमको ये एरिया डिस्टर्ब रखना है ताकि इन लोगों पर हम आराम से कंट्रोल कर सके। तो इंग्लैंड ने इसीलिए इजाद किया ये वाला एरिया को। इंग्लैंड यहां पर दंगा फसाद कराते रहा, कभी शांति नहीं बैठा ताकि इस पूरे एरिया को डिस्टर्ब किया जा सके। और डिस्टर्बेंस अभी चल ही रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध भी चालू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में यही लोग जीते थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका वगैरह वालों ने। तो इन लोगों ने, इंग्लैंड ने क्या कहा कि देखो भैया, 1922 में लीग ऑफ नेशन ने हमें ये फिलिस्तीन दे रखा था, हम क्या करते हैं इसे हम दे देते हैं यूएनओ को। यूएनओ का गठन हो गया था 1945 में, इसने फेंक दिया यूएनओ को। यूएनओ एक ऐसी संस्था है कि जहां अगर किसी चीज को फेंके तो उसको बर्बाद होना फिक्स है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ में दे दिया था कश्मीर मुद्दा, सॉल्व हो गया कश्मीर मुद्दा, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मतलब इंडिया पाकिस्तान में ना डिस्प्यूट है, वो 370 का हट जाना वो कश्मीर सॉल्व नहीं है, वो तो हमारा इंटरनल मामला है 370 हटाना। तो ये यहां ले जाकर फेंक दिया। ये क्या किया यूएनओ ने 1947 में, यूएनओ ने क्या कहा कि जो मील आयोग बैठा था ना, जो तीन भाग में बांटने को कहा था, वो सही है, इसको बांट देना चाहिए। 11 मेंबर की इसने कमेटी बनाई जिसमें इंडिया भी शामिल था। उसने कहा कि जो फिलिस्तीन एक देश है, ये फिलिस्तीन देश से नहीं, हटा दो इसको, फिलिस्तीन कोई दिक्कत नहीं। ज्यूज जो यहूदी है उन्हें 44% दे दो, अरब वाले जो उधर से मांग कर रहे हैं उन्हें 55% दे दो, और जो राजधानी जेरूसलम होगी इसकी, जेरूसलम का एरिया जो 1% है, उसको कंट्रोलिंग हम करेंगे, यूएन कह दिया। अब देखिए इसका असर क्या हुआ। ये जो ग्रीन वाला कंट्री देख रहे हैं, ये है फिलिस्तीन 1946 में। जब ये मुकदमा गया यूएनओ के पास, तो इसने कह दिया इसको दो भाग में बांट दो। भाई साहब, ऊपर जो व्हाइट वाला एरिया है, उसने कह दिया इसको इजराइल बना दो, नीचे भी व्हाइट वाला। जानबूझ के चोट्टा ऐसा नक्शा बनाया कि जिंदगी भर बवाल होते रहे, ऐसा नक्शा कभी पॉसिबल ही नहीं। और जो पूरा देश जिस फिलिस्तीनियों का था, उसको थोड़ा सा इधर दे दिया, थोड़ा सा इधर दे दिया, जानबूझ के ऐसा दिया कि लोग मरा जाएंगे, क्योंकि इजराइल वाले बहुत शक्तिशाली थे। इस फैसले का सबने विरोध किया, लेकिन इजराइल के जो यहूदी समुदाय थे, उन्होंने तो खुल के समर्थन किया। इनका कोई देश नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, इनको एक बना बनाया देश मिल गया। भाई फिलिस्तीन वाले गायब हो गए, देखिए ना यहाँ फिलिस्तीने नहीं है, अब ये वाला एरिया हो गया। अब जैसे यूएनओ ने ये डिसीजन दिया, तो 14 मई 1948 को ब्रिटेन कहा कि अब मेरा काम खत्म, भाई हमको क्या मतलब है, यूएनओ ने डिसीजन दे दिया वही समझो। और 14 मई 1948 को ब्रिटेन वहां से चला आया, अपनी सेना वाना बुला लिया वापस वहां पे। और 14 मई 1948 को, ये 48 को है, तो 48 को एक देश का जन्म हो गया, फिलिस्तीन के जगह पे इजराइल। तो जो अभी आप इजराइल देख रहे हैं ना, वो रियली में कोई देश नहीं था, वो एक कब्जाया हुआ है। अब मेन इशू क्या है कि देखिए, यूएन ने भी अपने हिसाब से कुछ कंप्रोमाइज करने के लिए डिसीजन दिया था कि भाई दोनों लोग को बांटा था, लेकिन विवाद कैसे हो गया समझिए। ब्रिटेन के इशारे पे जैसे यूएन ने 44% वाला एरिया जैसे ही इजराइल को दिया, कहा कि भाई ग्रीन वाला जो है वो फिलिस्तीन हो जाएगा, मतलब अरब वाला का कंट्रोल रहेगा, अब बाकी का एरिया जो है वो इजराइल का हो जाएगा। अब इजराइल को ये लोग अपना दुश्मन मानते थे, तो इन लोग का एक धार्मिक भी इन लोग से विरोध है। और यहूदी को यहां ले आके बसा दिए अरब के गोद में, तो अरब वाले पूरे भड़क गए सर कि भाई साहब आपने कैसे दे दिया उसको, टोटल एरिया 14,000 किलोमीटर स्क्वायर दे दिया, यानी 44% एरिया क्यों दिए। तो अरब वाले भड़क गए यहां पर। अब इसमें क्या था कि एक बीच का ये एरिया था जिसका नाम था जेरूसलम। अब ये जेरूसलम तीन देशों का पवित्र, तीन धर्मों का पवित्र स्थल है। जेरूसलम के बैतलहम में ईसा मसीह पैदा हुए थे, वहीं पे ज्यूज लोग को बसा दिया कि भाई तुम्हारी धार्मिक मान्यता यही है, क्योंकि यहां पर एक वेस्टर्न वॉल है जिसे वेलिंग वॉल कहते हैं। यह माना जाता है कि यहूदियों का सबसे पुराना पूजा स्थल यह है। यह पूछता भी है कि वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल कहां है, तो जेरूसलम में है। और मुसलमानों की भी आस्था है कि अलक्सा मस्जिद जो है, जहां से मोहम्मद साहब ने स्वर्ग का रास्ता बताया कि मतलब उपदेश वगैरह दिया वहां से, वो भी वही है। तो यह जेरूसलम जो तीन देशों का पवित्र स्थल है, इसको यूएनओ ने अपने कब्जा में ले लिया। लेकिन इस तरह से यूएनओ कब्जा
कब्जा किया कि बाहर के एरिया को इस तरह से मतलब वो डिजाइन ही किया था कि इजराइल इन पर फिर से आके कब्जा करेगा। इसके विरोध करने के लिए अगल बगल के जितने अरब देश थे उन्होंने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। अभी इजराइल नया नया बना ही है और छह देश वालों ने इस पर हमला कर दिया। चारों ओर से अरब देश वालों ने मिलकर छह देशों ने इस इजराइल पर हमला कर दिया कि तुमको तो हम पूरी तरह से बर्बादे कर देंगे। लेकिन यहां समझिए, इजराइल के सामने समस्या थी करो या मरो, क्योंकि अभी द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने बड़ी बुरी तरह मारा था। इसलिए यहूदी 100% एफर्ट से लड़े सब, उनके पास पैसा था, टेक्नोलॉजी थी और ये सेंटिमेंट था कि भाई साहब अगर यहां से उजड़े तो फिर दुनिया में कहीं नहीं बसेंगे। और मुसलमानों के लिए एक ये प्रेशर नहीं था कि भाई साहब यहां से उजड़े, इनके पास तो अपना देश था तो ये 100% नहीं लड़ पाए और इनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उतनी उस वक्त के समय में। आज ना पेट्रोल और सोना निकल गया तो पैसे वाले हो गए, उस समय नहीं था। हुआ क्या कि ये इजराइल जो अभी नया नया बन ही रहा था, 1948 की बात है जब हम लोग को आजादी मिली थी, उस वक्त लगभग एक साल की बात है, ये अकेले इजराइल जो था इन छह देशों को हरा दिया। और हराया नहीं, हराने के साथ साथ वो अपने एरिया जो 44% था उसको और कब्जा के ससुरा 80% कर लिया, अगल बगल का और एरिया कब्जा कर लिया, धीरे धीरे लगभग 70 से 80% वाला एरिया कब्जा करके अपने टोटल एरिया को कर लिया 34,600 किलोमीटर स्क्वायर। और आज भी दुनिया का एकमात्र देश है इजराइल जिसने ये कहा है कि मेरी देश की सीमा अभी फिक्स नहीं है, अभी ये बढ़ रही है। सोचिए अब अगल बगल कर ही रहा है। इसका एक ट्रिक भी होता है कि इजराइल की सीमा कितने देशों से लगती है। ट्रिक के रूप में इसे शॉर्टकट में याद रखेंगे, लस्सी जम गया, ये हम आपको क्लास में भी पढ़ाए हैं, ये लस्सी जम गया। ल से लेबनान, स से सीरिया, ज से जॉर्डन, म से मिस्र, गया को काट देना है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इन चार देशों से इजराइल की सीमा लगती है। और इजराइल कहता है कि फिलिस्तीन तो कोई देश नहीं है और अरब वाले कहते हैं कि इजराइल कोई देश नहीं है। इससे पूरी तरह से अरब वालों की हार हो गई और ये अरब वालों के लिए एक सदमे से कम नहीं था। और इजराइल जो पूरी दुनिया में दर बदर भटक रहा था उनके लिए एक देश भी बन गया और वह देश एक युद्ध भी जीत लिया और एक साथ छह देशों को हराया। इनका मनोबल बहुत आगे गया। इजराइल के बनने से लेकर अब तक कुल 5 बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिसमें आप पहला युद्ध देखिए, वार नंबर 1 1948 का, अरब देश के 6 देशों को हरा दिया। अब यहाँ से हम एक एक युद्ध समझते हैं। इसके बाद फिर 1956 में एक और युद्ध लड़ा गया, अरब वालों ने मिलकर फिर मारा किसको, इजराइल को। इसमें भी इजराइल जीत गया, जिसे हम लोग स्वेज नहर युद्ध या स्वेज क्राइसिस के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर है इजराइल एक्चुअली। अब स्वेज नहर जो है ना, यहाँ पर एक नहर बनाई गई है स्वेज नहर, जिससे कि लोग यहाँ से आराम से यहां पहुंच पाते हैं। दुनिया में ये व्यापार का उस समय और अभी भी सबसे बड़ा मार्ग है। अगर ये स्वेज नहर नहीं रहेगा ना तो आपको इतना दूर घूम के आना पड़ेगा, तो इसलिए ये स्वेज नहर बहुत ही जरूरी है। ये स्वेज नहर के पास मिस्र एक देश है जिसे अभी इजिप्ट कहते हैं, उसका दबदबा था ये स्वेज नहर के पास। अभी करीब से आपको दिखाएंगे, इस इमेज में देखिएगा तो ये लाल वाला है मिस्र, यहां पे ऊपर में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और नीचे है रेड सागर, लाल सागर। इसको बीच में काटने वाला यही नहर था स्वेज नहर। स्वेज नहर से पूरे व्यापार होते थे इस एरिया में। अब स्वेज नहर से मिस्र को फायदा भी होता था, लेकिन मिस्र को चाहिए था, यानी इजिप्ट को चाहिए था लेटेस्ट डिजाइन का हथियार, आधुनिक हथियार। तो मिस्र ने अमेरिका से कहा कि आप हमको हथियार दीजिए। तो अमेरिका से इंग्लैंड बोल दिया कि मत दीजिएगा ससुराल, मार देगा इजराइल को। और जहां इजराइल मराया तो फिर अरब देश वालों को हम पूछेंगे कैसे, इन लोगों को पूछना होता है ना, तो इजराइल से कहता है पूछ दो। तो अमेरिका का कहना ना, हम आपको हथियार नहीं देंगे। अब ये हथियार नहीं देंगे तो कहा मिस्र का, ठीक है मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हथियार नहीं देंगे, चल गया रूस के पास, रूस हमको दे दो। और रूस उठा तो हथियार दे दिया। अब इससे क्या हो गया, सब भड़क गए सब, इंग्लैंड और फ्रांस वाला। तो मिस्र के अंदर एक बांध बन रहा था जिसका नाम था आसवन डैम, नील नदी पर। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि आसवन बांध कहाँ है, मिस्र में नील नदी पर है। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी उसे बना रही थी, इन लोगों ने मना कर दिया कि हम बांध नहीं बनाएंगे। तो मिस्र कहा कि ससुरा बांध क्या नहीं बनाएगा, हम तोरा से हथियार मांग रहे हैं, तुम देगा नहीं, तो काम दूसरे से नहीं खरीदे, बांध नहीं बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो स्वेज नहर बनाया गया था वो फ्रांस की कंपनी ने बनाया था, उसे बनाना चालू किया था 1859 में, 10 साल में 1869 में बनके तैयार हुआ था। इस बनाने के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 100 साल तक इसको लीज पे दिया गया था फ्रांस की कंपनी को। वो 100 साल 1959 में आके खत्म हो रहा था। तो इजिप्ट ने क्या कहा कि ससुरा तुम हमको हथियार नहीं देगा, उस पे से तुम्हारा डैम का काम रोकेगा। उसने क्या किया, नहर को, नहर की कंपनी से कहा कि आप जाइए, जितना आपका 100 साल पूरा होने वाला है, 4 साल पहले ही है, आप चल जाइए, अभी चल जाइए, लीजिए जितना पैसा था। तो ये लीगल काम किया कि भाई साहब हम नहर को क्या करते हैं, लीगलाइज करते हैं। अमेरिका ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं भाई, उसका नहर है, 100 साल
पूरा ही होने वाला है, अब चला गया कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम कर्नल नासिर जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने अच्छे से किया था। लेकिन गलती उन्होंने क्या किया कि इस नहर को नेशनलाइज किया कि अब नहर मेरा है, जो भी यहाँ से जाएगा हमको टैक्स देगा। लेकिन इन्होंने कह दिया कि जो जहाज इजराइल के लिए जाएगी उसको हम यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। अरे बाप रे, तो यानी यहाँ से अगर इंडिया से इजराइल को व्यापार करना है तो इधर से नहीं जाओ, इधर से घूम के जाओ। इजराइल का ससुराल तो मरा जाएंगे। इजराइल गया इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड को क्या कहें भाई साहब, हम तो हम यहाँ पर फंसा दिया हमको। ये काम मिस्र ने गलत कर दिया। यहाँ समझिए, ये जो मिस्र का एरिया है, तो मिस्र के एरिया में अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ये लाल वाला मिस्र है, ये मिस्र का यहाँ पर है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर को काट देने से ना मिस्र का ये वाला एरिया नहर के उस पार हो जाता है, कनेक्टिविटी कटने लगती है, तो उसे हम कहते हैं सिनाई एरिया। इस एरिया का नाम है सिनाई पेनिनसुला या सिनाई प्रायद्वीप, ये इस वाला है। और इसके ठीक ऊपर में खड़ा है इजराइल। अब क्या किया है इंग्लैंड वालों ने, कहा कि इजराइल से तुम एक काम करो, सिनाई पर हमला कर दो, और तुम हमला करोगे तुमको बचाने के लिए हम आ जाएंगे। इंग्लैंड के इशारे पे इजराइल ने तुरंत सिनाई पर हमला कर दिया, और हमला किया तो उसके बचाने के लिए कूद गए सब ब्रिटेन और फ्रांस। अब यहाँ फंस गया इजराइल, ने इसके सिनाई पर कब्जा कर लिया, कहा कि ससुरा हमारा जहाज नहीं छोड़ेगा, तुम तोरा जमीने नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होगा, तो ये जो मिस्र था ये रूस को फोन किया, रूस ने धमकी दिया कि ससुरा हम परमाणु बम मार देंगे। तो दोनों में समझौता हुआ, समझौते के हिसाब से इजराइल पीछे हटा इसके, और इजराइल जब पीछे हटा तो बदले में नासिर जो थे मिस्र था इस नहर से इजराइली जहाजों को पार करने दिया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये युद्ध भी इजराइल जीत गया। तो आप पहला युद्ध देख लिए, दूसरा युद्ध देखें, अब तीसरा युद्ध देखिए। इस युद्ध ने इजराइल को पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर दिया। ये युद्ध जो था 1968 में हुआ था, 67 में हुआ था, इसे सिक्स डे वार कहते हैं, क्योंकि 6 दिन में इजराइल ने अरब देशों को धूल दिया था। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर जो थे स्वेज नहर को एक तरह से वो भी जीत ही गए थे, क्योंकि नेशनलाइज हो गया था, तो वो दोनों में एकदम विवाद हो गया था। मिस्र हमला करना चाह रहा था इजराइल के ऊपर, इजराइल हमला करना चाह रहा था मिस्र के ऊपर। तो अमेरिका ने इजराइल को कहा कि ससुरा तू अगर युद्ध किया तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और रूस ने मिस्र को कहा था कि तुम पहले युद्ध किया तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यानी इन दोनों का साथ मिलने वाला नहीं था इन लोगों को, जो पहले कर लेगा। इसका मतलब जो होने वाला है वो अंदर ही होने वाला है। अब मिस्र को लगता था कि बहुत बड़ा शक्तिशाली है, और इजराइल अभी नया नया बना ही था, इसलिए इजराइल पे ये लोग चढ़ जाएंगे। चारों ओर से मिस्र ने प्लान बना दिया ये अरब देशों वालों को कि भाई साहब 2 लाख की सेना लगाना है, छोटा सा तो देश है, हम इधर से घुस जाएंगे तुम इधर से, चारों ओर से घेर लिया जाएगा। और इसको घेरने के लिए क्या किया गया, उस समय इजराइल के पास रेडियो का अपना टावर नहीं था, तो मिस्र का जो रेडियो था वही पकड़ता था इजराइल में। तो ये लोग रेडियो पे सिग्नल भेजने लगे लोग कि तुमको बर्बाद कर देंगे, मारने आ रहे हैं, 1 लाख की फौज रेडी है, ये है वो है पूरी तरह से। अब इजराइल पागल हो गया कि ससुरा तो मार देगा सब हमको। इजराइल ने ये समझ गया कि हम चारों ओर से अब घिर रहे हैं, एक साइड से यहां से मिस्र हमला करने वाला था, और यहां से ये एक छोटा सा देश देख रहे हैं ना, ये जॉर्डन, जॉर्डन हमला करने वाला था, ऊपर से सीरिया हमला करने वाला था। जॉर्डन और सीरिया ने कह दिया कि हमारी फौज जो है वो मिस्र के सेना प्रमुख के इशारे पे हमला करेगी इजराइल में। अब इजराइल बवाल फंस गया इजराइल यहां पर। लेकिन इसी बीच में इजराइल के जो रक्षा मंत्री बनाए गए मोसे डायन को बनाया गया, ये 1948 के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनकी एक आंख नहीं थी यहां पर। तो ये मोसे डायन ने कहा कि भाई साहब देखिए, ना अमेरिका इसमें कूदने वाला है ना रूस कूदने वाला है, ये लोग कूदबो करेंगे तो बाद में कूदेंगे, एक काम करते हैं पहले ही फाइल निपटा देते हैं। तो ये लोगों ने स्टार्ट कर दिया सिक्स डे वार। सिक्स डे वार में क्या किया कि इन लोगों ने मोसे डायन ने प्लान बनाया कि ऐसा हमला करो कि पहले दिन ही दुश्मन को धूल चटा देना है। तो इसका तो भाई साहब का प्लानिंग था कि एक के दिन में युद्ध जीत जाना है, तो खैर ये तो 6 दिन में युद्ध जीता, कैसे खतरनाक था ये। अरब देश वालों ने जो लाखों की फौज रखी थी उस पर इजरायली एयरफोर्स अचानक घुस गए, और इजरायली एयरफोर्स मिस्र में घुस गए, और मिस्र बहुत लीडर बन रहा था। मिस्र के 300 में से 280 जहाजों को इन्होंने 3 घंटे में धूल चटा दिया, यानी 95% एयरफोर्स मिस्र की तबाह हो गई। मिस्र का कि जा ससुर हमारा तो हाल खत्म हो जाएगा, इस तरह से मारा था मिस्र को कि उसकी जहाजें जो नई नवेली थी वहीं पर रह गई, उड़ भी नहीं पाई। ये मिस्र जो रूस से जहाज खरीद के लाए थे धो धा के चल दिया, स्वेज नहर में पूरा मशीन गन उतार दिया, चारों ओर से धोना चालू कर दिया। अब उधर से दूसरी ओर से इजराइल आए, और इजराइल से लड़ने के लिए सीरिया भी कूद गया, और एक ओर से लेबनान भी कूद गया। सीरिया की गलती क्या थी कि सीरिया के जो तोप थे उनका जो टैंक जो थे, टैंक इनका रेंज था 1.5 किलोमीटर, और इजरायली टैंक का रेंज था 2 किलोमीटर। तो इजरायली टैंक उसके सामने खड़ा रहता था 2 किलोमीटर की दूरी पर, वो मारता था तो गोला पहले ही गिर जाता 1.5 किलोमीटर पर, ये मारता था तो उधिया जाते थे। तो सीरिया को धो दिया और लेबनान को धोया,
इसको जार्डन को, जार्डन को तो ऐसा मारा कि 21 दिन में 20,000 फौज और आम नागरिक तब को मार दिया, एक दिन में धूल चटा दिया इस तीनों ओर से। नीचे से पिटाए थे मिस्र, बगल से पिटाए आपके जार्डन, और ऊपर से पिटाए सीरिया। अब इस युद्ध को 6 दिन के अंदर अंदर जीत लिया इसराइल ने। अब जीता तो फायदा उसको होगा, तो अब कहा कि आओ भाई सब समझौता करो, अब तुम लोग से हम जमीन लेंगे। इसराइल तो यही चाह रहा था। इसराइल ने मिस्र के निचला भाग को कब्जा कर लिया, जिसे कहा गया गाजा पट्टी। इनसे ले लिया गाजा पट्टी का एरिया, कहा कि भागो यहाँ से, ये फिलिस्तीन वाला एरिया का गाजा पट्टी। जार्डन को कहा कि जजरा तू बहुत बड़का होशियार बनता है जार्डन, हम पे हमला करने आया, 20,000 लोग मरे, जार्डन से इतना एरिया खींच लिया, ले भाई वेस्टर्न बैंक, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक। तो आप अक्सर सुने होंगे वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, तो ये गाजा पट्टी में, और वो अभी वो इधर मारता है, और वेस्ट बैंक पे अभी और घुसते जा रहा है। फिलिस्तीन के लोग को यहीं से भगा दिया, भाग भाग चट्टा का, तुम लोग के चक्कर में हम मरा रहे हैं। अब फिलिस्तीन सोचिए, उन्हीं फिलिस्तीनियों का ये देश है जहां पर इजराइल मारते हुए आगे बढ़ रहा है, और ऊपर से आए थे सीरिया हमला करने के लिए। सीरिया, सीरिया के ऊपर का एक पहाड़ था जिसका नाम था गोलान हाइट, गोलान की पहाड़ियों को कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे पहाड़ कब्जा करके क्या फायदा, दो फायदा, इस पहाड़ की ऊंचाई से यहां लेबनान पर हमला किया जा सकता है, यहां सीरिया पे किया जा सकता है, यहां जार्डन पे किया जा सकता है, अपने एरिया को बचाया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा फायदा है गोलान हाइट का, वो पानी, पानी का मुख्य स्रोत गोलान हाइट है। इजराइल की जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, वो समस्या भी इजराइल की दूर हो गई, और इजराइल का डर इतना भयानक फैल गया अरब वालों में जिसका कोई हद नहीं। इजराइल यहां सीरिया के राजधानी दमिश्क तक घुसने वाला था, वहां पर चारों ओर से इजराइल हर युद्ध में जीतता गया, 6 दिन में फाइल निपटा दिया, इन लोग का भूत उतर गया मिस्र का। इनको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, इनको लग रहा था हम जीत जाएंगे, चारों ओर से मारा सपाट कर दिया यहां पर इजराइल ने। तो 6 डे वार में इजराइल की फिर से जीत हो गई। अभी ये लोग अभी भी शांत नहीं हुए हैं, इजराइल इतना बढ़ते जा रहा अभी भी ये शांत नहीं हुए हैं। अब ये लोग फिर प्लान बनाए लोग, और वो प्लान बनाए यांकीपुर वार। यांकीपुर एक फेस्टिवल था इजराइल का, तो इन लोगों ने कहा कि इस जब ये लोग त्यौहार मनाएंगे ना तभी हम हमला कर देंगे। तो 1973 के इस वार को हम यांकीपुर वार के नाम से जानते हैं, इसको समझते हैं। 1973 में यांकीपुर वार में मिस्र ने इतना खतरनाक चाल चला, मिस्र ने किसी को बताया ही नहीं कि वह हमला करने वाला है, अपनी फौज को पीछे रखा था, किसी को नहीं बताया था, लेकिन ससुरा पूरी तरह तैयार था, उसने लिस्ट बना रखा था कि कौन फौजी को कहां खड़ा रखना है। और ये जो मिस्र है, इसने क्या किया, पूरा लिस्ट बना के रख दिया कि हमारी ज्यादातर फौज पहले यहां खड़ी रहेगी, लेकिन मिस्र का ही ये एरिया है सिनाई, तो इसने क्या किया 4 घंटे पहले बताया कि कौन फौजी को कहां खड़ा रहना है, और इसने 90% फौज को उतार दिया सिनाई वाला एरिया में। अब ये सिनाई वाला एरिया में उतार दिया, और ये सिनाई वाले एरिया में उतार कर मारा इजराइल को, धो दिया, अचानक हमला किया यहां इजराइल पर। इधर से इजराइल इस शुरुआती लड़ाई में इजराइल हारता गया, क्योंकि यहां इजराइल के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था यांकीपुर वार में। इस युद्ध में इजराइल, पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब ये इजराइल को नहीं छोड़ेंगे सब, और उधर से सीरिया हमला कर दिया ऊपर से। अब बीच में घिर गया आपका ये वाला इजराइल, ये एरिया व्हाइट वाला, इसको रंग देते हैं इजराइल। अब दोनों ओर से यहां पर घिर गए सब, अब क्या किया जाए यहां पर। तो इजराइल ने दिमाग लगाया, कहा कि अब हम अपनी बचाव नहीं करेंगे ससुरा, हमला करेंगे। इजराइल यहां दूसरे रास्ते से मिस्र के अंदर घुस गया, और मिस्र के अंदर घुस के मिस्र में लगा तबाही मचाने। अब मिस्र के सामने समस्या, तुम ससुरा इजराइल में घुसोगे तो तुम्हारे मिस्र में घुस जाएगा। अब जो यहां पर मिस्र की फौज बहुत खुश हो रही थी कि हम इजराइल को घेर लिए हैं, अरे भाई साहब पीछे हट के देखी तो इनको पीछे से खबर जा रहा था कि भाई साहब ये तोप का गोला आप पीछे कहाँ चला रहे हैं। तो मिस्र कह रहा हम कहाँ चला रहे हैं, कौन घुस गया। तब पता चला ससुरा ही, तो इजराइल इधर से घुस गया। तो इजराइल यहां फ्रंट फुट पे आ गया, और यहां इजराइल जो था सीरिया के अंदर घुसने के बाद उसकी राजधानी दमिश्क तक पहुंच गया। सोचिए क्या हाल होगा कि अगर किसी देश की राजधानी में दूसरी सेना घुस जाए, बोलिए अब दिल्ली में घुस जाए किसी दूसरी सेना, हम लोग का क्या हाल हो जाएगा। खैर ऐसा किसी की औकातें नहीं है, तो ये हाल हो गया। यहां ये दोनों लोग फिर से फंस गए। अब ये मामला हो गया इंटरनेशनल, दोनों के बीच बीच बचा हुआ। तो बीच बचाव में यही हुआ कि भाई इजराइल तुम यहां से चले जाओ। अब मिस्र ने कहा, मिस्र कहा कि हम वापस आ जाते हैं। तो ये बेचारा मुंह ठंडा गया इनका, और इजराइल ये सीरिया जो था, सीरिया तो बेचारा फिर भी हार गया, दोबारा हार गया यहां से सीरिया।
तो वांकीपुरी वार में यहाँ से जो अंदर घुस गया था यहाँ पे इजराइल, और यहाँ से मिस्र घुस गया था इजराइल के पास तक, तो दोनों वापस आ गए, इधर से कुछ मिला नहीं। ये आप तरह एक तरह से कह सकते हैं, तो ये जो मिस्र था इसने कहा कि भाई साहब हम आपको एक देश की मान्यता देते हैं, ना आप हमसे लड़िएगा ना हम आपसे लड़ेंगे। मिस्र ठंडा गया और उधर सीरिया को कुछ मिला उला नहीं, खामखा में लड़ाई उड़ाई में मरा गए। जॉर्डन तो एक के दिन पिटाया, शांति हो गया। जॉर्डन ने भी मान्यता दे दिया कि भाई साहब हम आपसे नहीं लड़ सकते हैं, आप हमको मत मारिएगा, हम आपको नहीं मरेंगे, हम आपके कचड़ा में नहीं पड़ने वाले। मिस्र का आगे हम भी आपके कचड़ा में नहीं पड़ने वाले, आप समझिए। बाकी लोग का भी घमंड शांत नहीं हुआ था। 73 के यांकीपुर वार को आप देख लिए। अब जो आखिरी लड़ाई देखते हैं लेबनान वाला, सबसे बुरी तरह मानवता को भी शर्मसार कर दिया इजराइल, जो लेबनान को इतना बुरी तरह से मारा था। देखिए, जमीन जहाँ इसराइल आज है वहाँ तो फिलिस्तीन था, तो फिलिस्तीन वाले तो कभी चुप बैठेंगे नहीं। तो फिलिस्तीन वाले सोचे थे कि हम विद्रोह करेंगे इस एरिया से, यहाँ वाले एरिया से, लेबनान के एरिया से। और लेबनान ने वहाँ के विद्रोहियों को कहा कि ठीक है तुम हमारी ज़मीन से आके हमला करो इस पर। देखो भाई साहब, अभी ये लेबनान को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब पिटा के गया है, अभी भयंकर भयंकर पिटा के गया है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। लेबनान कहा कि मारो। इधर से सऊदी अरब, ये जो अरब है ये कहा लेबनान को हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। सीरिया कहा हम भी तुम्हारे साथ है। जॉर्डन का हम भी तुम्हारे साथ। ये चढ़ा दिया यहां से, और यहां से जो विद्रोही थे, जो मूल निवासी थे फिलिस्तीन के, वो यहां हमला कर दिए। भाई उन लोग की भी तो जमीन है। अब आगे इसका सलूशन समझेंगे हम। इसके बदले में उठा इजराइल ना, तो इजराइल लेबनान को धो दिया। इस लड़ाई को कहते हैं लेबनान वार 1982। इस लड़ाई में लेबनान का हालत इतना भयानक किया इजराइल ने, ना मानवता देखा, ना ये देखा कि हॉस्पिटल पे बम गिरा रहे हैं, कि 2 साल के बच्चे पे गिरा रहे हैं, कि महिला गिरा, कुछ नहीं। उसने लेबनान को इतना बुरा मारा, इतना बुरा कि मानवता भी शर्मसार हो गई। यहां इजराइल को हमारे हिसाब से उतना उचित नहीं किया। भाई आप दुश्मनी अपने जगह पर, इंसानियत अपने जगह पर। हमारे यहां पर औरंगजेब और शिवाजी के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो दक्षिण में औरंगजेब ने कई अपने सरदारों को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। शिवाजी को हरा नहीं पाया, वो लोग ने शिवाजी मार दिए उन लोग के सरदारों को। तो शिवाजी की फौज क्या की थी ना, सरदार जो मुस्लिम शासक थे वहां के, जो सूबेदार थे उसके यहां की बेटी को उठा लाया और सरदार देखा, देखिए साहब उनको बेटी उठा लाए। शिवाजी जो थे ना नाराज हो गए, और शिवाजी ने डांटा अपने फौजियों को, उनको कहा कि आइंदा अगर हम देख लिए इस तरह की गलत हरकतों को तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति रही है, हमको घमंड है अपने संस्कृति पर। यहाँ पर इतनी महान संस्कृति रही है हमारे यहाँ, हम लोग दुश्मनी में भी इंसानियत रखते हैं, लेकिन इसराइल को इस तरह से नहीं करना चाहिए। रीजन क्या था, जो वहाँ विद्रोह हो रहा था वो उसकी खुद फिलिस्तीन वाले कर रहे थे। खैर विद्रोहियों को मारिए, हम इसमें नहीं करें। लेबनान की इस तरह से मारा कि लेबनान में लगभग 20,000 आम इंसान मारे गए, जिनको युद्ध से कोई मतलब नहीं था, अपने घरों में कोई दुकान किया है, कोई बैठा हुआ है। इसके बाद अरब वालों ने कसम खा लिया कि हम इजराइल को कभी भी एक देश की मान्यता नहीं देंगे। एक तो तुम नजायज यहां पर कब्जा किए, उसके बाद से अगल बगल वालों को मारते जा रहे हो। अब इसके बाद अरब वालों को देखो, सऊदी अरब बोला था ना कि लेबनान तुमको बचाएंगे, सब क्या बोल रहा था सर कि हाँ हाँ हमला करो हम बचाएंगे, कोनो नहीं किया सब, क्योंकि 6 दीवार में धोया था सब, वांकीपुर की याद युद्ध में धोया था सब, एकदम डर गया सब। ये दिखाता है कि इनकी फौज कितनी पीछे है भाई साहब। इन लोग के बस का क्या है, यहाँ पेट्रोल नहीं रहता तो ये लोग बकरी चराते अभी तक यहाँ पे, तो इन लोग के बस का कुछ है नहीं। अब वो सऊदी अरब वालों ने ना लेबनान को मरता छोड़ दिया। लेबनान बाद में समझौता किया कि भाई साहब हमारी औकात नहीं है, हम नहीं लड़ पाएंगे। तो लेबनान हारने के बाद इन 5 युद्धों में अरब वालों को समझ में आ गया कि भाई साहब हमारे बस का नहीं है इजराइल से टक्कर लेना। लेकिन ये घटना जो इतने मासूमों की जान गई, इसने जन्म दे दिया हमास नामक संगठन को। हमास क्या है? हमास एक फिलिस्तीन के लोगों का संगठन है, कहता है कि हम फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे। इसराइल कहता है कि ये फिलिस्तीन को आज़ाद नहीं करा रहे, ये आतंकवादी है, एक्चुअली ये अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं। इसराइल कहता है कि ये आतंकवादी है। इसराइल जानता है कि इन लोग के पास हथियार के नाम पे छोट मोट रॉकेट है, AK-47 की लड़ाई है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसराइल इन लोग को प्रोवोक करता है, कहता है कि तू हमला कर, क्योंकि इसराइल को पता है कि हम इन पर डायरेक्ट हमला करेंगे तो दुनिया हमको काँव काँव करने लगेगी कि काहे मारा काहे मारा। तो इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम आयरन डोम कहते हैं, यहाँ मिसाइल उसाइल मारिएगा तो वहाँ गिरबे नहीं करेगा, इसराइल पूरी तरह से प्रूफ है। तो क्या करता है, इन लोग पे इसके किसी कमांडर को मार देगा गोली ताकि ये लोग हमला करें, और जैसे ही ये लोग हमला करते हैं पूरी दुनिया को दिखाता है इसराइल कि देखिए हमास ने मारा, हमास ने मारा, और बदले में इसराइल हमास को पूरी तरह तबाह कर देता है। फिलिस्तीन जो अभी छोटे मोटे कहीं कहीं दुब के रह रहे हैं लोग, उन लोग के ऊपर बम गिरा देता है, और आए दिन मारते रहता है, आज तक मारता है, 2016 तक मारा, पिछले साल 2018 में मारा,
आज भी मारा, इन लोग को जानबूझ के करता, ऐसा मारेगा कि ये लोग रॉकेट चलाए और इजराइल का एक भी नहीं मरेगा, लेकिन दुनिया भी तो अभी इन लोग का साथ नहीं दे सकती कि तुम क्यों मारा। तो ये मारेंगे तो और बुरी तरह मारेंगे, और नहीं मारेंगे तो धीरे धीरे करके मार देगा। यहाँ पर आज भी अरब वालों को समझ में नहीं आ रहा है, भाई साहब समझौता कर लो कि जितना में तुम हो तुम उतना में रह जाओ और जितना में फिलिस्तीन है उतना में रह जाओ, नहीं तो आने वाला ऐसे ही 10-20 साल और रहा ना तो इतिहास बना देगा फिलिस्तीन को। 87 में जन्मे हमास को लेकर अभी भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ये खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन 1988 में अमेरिका ने दो चेहरा दिखाया, कैसे, उसने यासिर अराफात को उठाया। यासिर अराफात जो है ना फ्री फिलिस्तीन का एक मूवमेंट चलाते थे कि भैया हमको हमारा फिलिस्तीन चाहिए। ये काफ़ी एक अच्छे नेता थे, एक जैसे भारत में गांधी जी की छवि कैसी है, एक नॉर्मल मतलब उस तरह से ये थे। इन्होंने कहा कि भाई अमेरिका इन दोनों में समझौता करा दिया, लेकिन अमेरिका देखिए कितना बढ़िया चाल चल गया, समझौता करा के मुसलमानों की नज़र में बन गया कि ये चलो भाई बहुत बढ़िया है। यासिर अराफात का कहना था कि जो एरिया हम लोग का भी है उतना पे आप क्या करिए कि भाई आप उतना को मानिए, और जो बार बार में इधर गाजा पट्टी में जो हमला किया जा रहा है इस सबको रोकिए ताकि वहाँ पर लोगों को जान न गंवानी पड़े। तो अमेरिका कहा ठीक है हम आपको फिलिस्तीन की मान्यता दिला देंगे, समझौता हो गया। अब इससे क्या हुआ, अमेरिका मिडिल ईस्ट के मुसलमानों में अपना दिखा दिया कि देखो भाई मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं, मरवा रहे हैं सब, यही सब समझा रहा है, सही पढ़े लिखे उतना नहीं होता है सभी, सब कोनो फुसला के चल देता है इन सबको। तो ये चला कि ये लोग बहुत खुश हो गए, वाह अमेरिका वाह। और उसके बाद से जब यूएनओ में गया फिलिस्तीन कि भाई हमको देश की मान्यता दे दो, तो जो अमेरिका ने समझौता कराया था ना इसी अमेरिका ने विरोध कर दिया कि नहीं नहीं हम आपको यूएनओ की मान्यता नहीं दिलाएंगे, आप जनरल असेंबली में नहीं रहेंगे। अरे भाई साहब यूएनओ के जब आप सदस्य नहीं है तो फिर देश किस काम के रहेंगे, आप देश नहीं बन पाएंगे। अमेरिका ने इन लोग को बजा के मारा। यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि तुम लोग को हम लड़ा लड़ा मारेंगे, अभी आगे देखते रहिए अमेरिका क्या किया। तो यासिर अराफात की आगे जाके इनकी मौत भी हो गई, काफ़ी रहस्यमय मौत थी, कुछ लोग कह रहे थे कि इन्हें पोलोनियम खिला के मारा गया, वो एक अलग इशू है। तो यासिर अराफात एक अच्छे लीडर थे, ये चाहते थे कि फलस्तीन के इशू को समझा दिया जाए, लेकिन इनके ये भी समझौता कुछ नहीं हुआ। और सबसे बुरा स्थिति आया सन 2000 में एरियल शेरोन। देखिए इजराइल का हर एक व्यक्ति को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, जनसंख्या कम है, हर एक व्यक्ति सैनिक है, लेकिन ये कुछ लोग क्या है 3 साल की सेना में ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ लोग अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं, ये पूरी तरह सैनिक ही थे, आगे जाके इजराइल के ये पीएम भी बने थे। इन्होंने क्या किया, एकदम मानवता पार कर दिया, लेबनान इत्यादि के अगल बगल के एरिया में जहां जहां इनको डाउट होता था कि फिलिस्तीन की मांग उठेगी वहां पर इन्होंने नरसंहार करा दिया, एकदम मतलब मानवता शर्मसार हो गई। देखिए बड़ा आदमी मरता है ना तो केवल दुख होता है, ये सब छोटे छोटे बताइए 2-3 साल के बच्चों को मार दिया ये आदमी एरियल शेरोन ने, इतना बुरी तरह मार दिया ना। ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि मिडिल ईस्ट के मुसलमान जो देश है उनका खून खौले, इसलिए जानबूझ के मरवाया, क्योंकि इसको पता है कि भाई कि हमारा देश पावरफुल है, हमारी एयरफोर्स तगड़ी है, ये लोग जमीन पे आएंगे हम नीचे उतर भी नहीं करेंगे, ऊपर से मार देंगे, अब क्या करेंगे। आप बताइए कहाँ का इंसानियत है, अरे भाई हिंदुस्तान से कुछ सीखो यार, हम लोग महाभारत का युद्ध लड़े हैं, इससे बड़ा युद्ध किसी के लड़ने की औकात नहीं है, लेकिन क्या इस तरह से कहीं मासूम बच्चों पर अत्याचार हुआ था, बताइए ये क्या किए थे सर 2-3 साल। देखिए यहाँ बड़े लोगों की जान जाती है तो मासूम का नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन लोग को कैसे मारा। एरियल शेरोन ने ऐसा काम कर दिया कि अब अरब वाले चाह के भी नहीं मिलना चाहते हैं कि इन लोग इतना तुमने अत्याचार किया। और इसने कहा कि हमने एकदम सही सबक सिखाया। भाई देखिए अगर रियलिटी देखेंगे तो इजराइल तो था ही नहीं, वहां तो फिलिस्तीन था। देखिए अब बात आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए ये है आपका इजराइल और यहां पे पहले था फिलिस्तीन। अभी कंक्लूजन क्या करना चाहिए कि इजराइल के लोगों को समझना चाहिए कि देखिए भाई इजराइल आप जो देश है ना वहां पे आप थे नहीं, वो फिलिस्तीन था, इसलिए फिलिस्तीन वालों को भी अधिकार है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको जगह मिल गया। और फिलिस्तीन यहां पर इजराइल को है कि भाई थोड़ा इंसानियत करना चाहिए, और फिलिस्तीन को सोचना चाहिए और बाकी के अरब देशों को सोचना चाहिए कि वहां इजराइल का बना रहना जरूरी है, क्योंकि यहां से अगर यहूदी गए तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इन फिलिस्तीन वालों के लिए तो है ना कि अकल को इजराइल पूरी तरह मार के भगा देगा तो कहीं ना कहीं ये लोग शरण ले लेंगे, और मार के भगा ये देगा अगर यही रहन रहा तब, क्योंकि देखिए इजराइल से ये लोग लड़ नहीं सकते, इनकी टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है, ये दिन रात रिसर्च करते हैं कि ऊँट का बिरयानी कैसे बनेगा, बकरी का बिरयानी कैसे बनेगा, खजूर को कैसे खाना चाहिए, यही सब एक टेक्नोलॉजी है। आप सुई से हवाई जहाज तक नहीं देखेंगे इन लोग का नाम हो तो अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान पेट्रोल निकल गया, नहीं तो पता नहीं क्या करते ये लोग। तो इन लोग की बस की बात नहीं है इनसे टकराना। तो भाई जब आप किसी ज़्यादा शक्तिशाली, महात्मा गांधी लोल थे का कि जो नरम दल नरम, जान रहे थे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, हम अंग्रेजों के पास पूरी दुनिया से लड़ रहे थे, ले आके बम बरसा देते सब यहाँ पे शांत हो जाते। तो महात्मा गांधी बड़ा लिखा बैरिस्टर था, जानते हैं कि अपने से मजबूत आदमी से अगर आप गरम दल की तरह
तरह जाइएगा तो बहुत ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाइएगा, तो ये लोग नहीं लड़ पाएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ करो यार, जितना में तुम हो तुम उतना में रह जाओ, जितना में ये है उतना में रह जाओ। इसराइल को भी चाहिए कि जो मतलब जो अत्याचार करके ज़्यादा कब्जा कर लिया उतना से थोड़ा सा पीछे हट जाए, अपने एरिया भर में रहे। अब इसराइल भी क्या है कि एकदम दादागिरी दिखाता है, ये लोग कहते हैं कि हम देश का मान्यता ही नहीं देंगे, सारा बवाल खत्म हो जाएगा। इसराइल कहता है कि हम सारा बवाल खत्म कर देंगे, आप लोग हमको देश की मान्यता दे दीजिए। लेकिन इसराइल भी यहाँ गलती करता है, वो कहता है कि नहीं हमारा एरिया भी फिक्स नहीं, ये लोग कहते हैं एरिया फिक्स कर दो तुम, हम तुमको देश की मान्यता देंगे। अब ये अलग बात है, देखिए अमेरिका और ब्रिटेन जानबूझ के चाहते थे कि इन अरब देशों को लड़ा के रखा जाए। अभी क्या है कि ये अरब देशों में दो फाड़ है, यहाँ पे राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। और इसमें ये है आपका ईरान, ईरान जो है ना वो एक शिया कंट्री है और ये लोग हैं सुन्नी कंट्री। अमेरिका ने इन लोगों को दो तरह से लड़ाया, एक इजराइल से लड़ा दिया, एक शिया सुन्नी करके लड़ा दिया। अमेरिका क्या करता है, खुद नहीं मारता है यहाँ पर, खुद मारता है किसको, ईरान को, कहता है कि हम सिया को मारेंगे और सुन्नी लोग हम तुम्हारे साथ हैं। और इस सुन्नी लोग को नहीं मारता है, इन लोग से इजराइल से कहता है कि मार तो, इजराइल बना बना मारता है। इन लोग को आज तक समझ में नहीं आने वाला है यहाँ पर। अब देखिए अमेरिका कितना बढ़िया चाल चलता है, इन लोग का पूरा पेट्रोल निकालता है, सीरिया से लेकर चला गया, इराक से लेकर चला गया, घाटा हम लोग को हुआ कि पेट्रोल महंगा हो जाता है, अमेरिका इसे लेकर चला जाता है। अगर ये लोग अपना पेट्रोलियम और अधिकार निकालने का ठेका या कंपनियों का ठेका अमेरिका को ना देके अगर मान लीजिए वो रूस को देंगे तो अमेरिका इसराइल से कहेगा तो धो देगा, इन लोग को धोवा के आएगा, इन लोग को तो आदत है इतना धोवाने का, यहाँ पर धो देगा। इसलिए इन लोग की मजबूरी है अमेरिका का साथ देना, और अमेरिका का साथ नहीं देंगे तो अमेरिका एक और काम कर देगा, यहाँ पर विद्रोहियों को हथियार बांट के कह देगा कि यहाँ पर लोकतंत्र की मांग करो, जैसे लोकतंत्र सीरिया में खड़ा कर दिया, इराक में खड़ा कर दिया, मिस्र से लेकर लीबिया तक में लोकतंत्र की मांग करा के बवाल करा दिया। तो इन लोग की मजबूरी है कि अमेरिका के लिए जी हजूर करना। अमेरिका बोलेगा ए सऊदी अरब खड़ा हो, यस सर बैठ जाओ, यस सर सल्यूट कर, सल्यूट करेंगे। जॉन नौटंकी ये लोग को कर देगा, जूता भिगा के मारता है इन लोग को, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अभी मासूमों की जान ले आने से अच्छा है कि खा बहुत कंप्रोमाइज कीजिए। अब इन लोग का कहना है कि हमारा दौर आएगा। भाई साहब आप जब था गजनबी गौरी पता नहीं उस समय आज से 1000 साल पहले तो आप लोग शक्तिशाली थे, जब घोड़ा पर बैठ के तलवार से लड़ाई लड़ी जाती थी। उस तरह से हिंदुस्तान वाले सोचे लोग कि हम लोग के समय अशोक था, हर्षवर्धन, कनिष्क, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं, चलो अमेरिका से लड़ जाते हैं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। भाई बहादुरी और समझदारी में कुछ फर्क होना चाहिए यहाँ पे। तो ये लोग अपने पुराना वाला इतिहास लेके चले, घोड़ा से लड़ाई लड़ने आएंगे, वो जहाज से उतर भी नहीं करेगा, उसका एयरफोर्स एकदम तगड़ा है, तो ये बढ़िया से मारेगा इन लोग को। अब अमेरिका क्या चाहता है कि इन्हीं लोग की मदद से ईरान को मार दे और ईरान का पेट्रोल ले ले। अब ईरान मराएगा तो हम लोग के लिए दिक्कत, अफगानिस्तान जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और ईरान की तबाही हो जाएगी। देखिए ना इराक गया तो हम लोग क्या, इराक से रिलेशन ही खत्म, जबकि वहां 2 लाख भारतीयों को नौकरी मिला हुआ था, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ले गया, अपनी मार में हम लोग को पेट्रोल महंगा मिलने लगा, रोजगार भी चला गया। तो हम लोग को चाहिए स्टेबिलिटी थी, तो इसमें मोदी जी को करना चाहिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी, क्योंकि मोदी ही अभी वर्तमान में एशिया में एक जो है जिसकी बात अमेरिका भी सुनता है, इजराइल भी सुनता है और अरब वाले भी सुनते हैं। पाकिस्तान की बातें छोड़िए, वो तो किसी को, इंडिया का तो कभी नहीं सुनेगा कोई भी हो जाए। तो उनको कहना चाहिए कि अगर ये स्टेबल है तो हम लोग के लिए पेट्रोलियम की आपूर्ति हमेशा बनी रहेगी और रोजगार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मोदी जी को भी पता है कि हिंदुस्तान में रोजगार देने वाले नहीं है। तो ये कम से कम 55 लाख यहाँ पर रोजगार है, तो कम से कम इसको तो सेफ रहिए, इधरों मार हो जाएगा तो चलाएंगे सब, यहाँ पर रोजगार खत्म हो जाएगा। अभी जो समझौता हो गया वो देखिए कौन सा समझौता था भाई साहब, यहाँ पे देखिए मिस्र ने तो मान्यता दे रखा है इजराइल को, तो चलिए भाई मिस्र की सीमा लगती है, जॉर्डन ने भी मान्यता दे रखा है, तो इन लोग की तो सीमा ही लगती है इजराइल से, इसलिए कॉम्प्रोमाइज है। अभी यहाँ यूएई भाई साहब भी मान्यता दे दिया है, लेकिन यूएई की भी एक तरह से जीत है, इजराइल की भी जीत है। इजराइल को यहाँ अरब देशों में से पहला इस साइड का देश है जिसने मान्यता दिया। बदले में इजराइल ने कहा है कि जो आप गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक जो जॉर्डन का एरिया है जहाँ आपने अवैध कब्जा किया है उससे पीछे हटेंगे, तो ये पीछे हटने के लिए नहीं बोला है, लेकिन ये स्वीकार खुद इजराइल ने किया है कि नहीं वो कब्जा मेरा अवैध है। तो एक तरह से ये यूएई के लिए भी बहुत बड़ी जीत है, ये अरब लीग में आगे बढ़ जाएगा। अब सऊदी अलग ही प्लान में है, देखिए यूएई कर लिया ना, आप 2 महीने का वेट कीजिएगा, इधर से ओमान मान्यता देगा, यहां से कतर देगा, यूएई के बाद ओमान और कतर देंगे, आप ये लिख के रख लीजिए भले थोड़ा सा समय लगे, उसके बाद सब का सब मान्यता देंगे, सारे के सारे लोग नतमस्तक हो गए उसके आगे। इससे आप सीख लीजिए हिंदुस्तान वालों को कि हमेशा बलि बकरे की दी जाती है शेर की नहीं, जो कहा जाता था ना कि सतयुग में कि सत्य की हमें
हमेशा जीत होती है, ये कलयुग है, बलशाली व्यक्ति की हमेशा जीत होती है, ये कब्जा किया, आज लोग इसी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। तो हम हिंदुस्तानियों को भी अपनी टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना चाहिए। अब यहाँ सऊदी अरब क्या चाहता है कि सऊदी अरब इसराइल से दोस्ती करना चाहता है। देखिए ये जो सऊदी अरब जो इसराइल का खासा दुश्मन बना करता था, वो इससे दोस्ती करके और ईरान को मारना चाहता है कि ईरान तबाह हो जाए। यहाँ सिया सुन्नी में आई बकलोलवा को समझ नहीं आ रहा है कि अमरीका जब इस ईरान को मारेगा तब इसके पास अब कोई नहीं बचेगा, उसके बाद इन लोग को धोएगा, इन लोग का वही हाल करेगा जो 1947 से पहले अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों का किया था। लेकिन इनको कौन समझाए भाई साहब इनको, हम लोग को क्या मतलब इन मचमच में पड़ने के लिए। अब पाकिस्तानिया तनी होशियार है, भांप गया है, और तुर्की भी इधर से भांप गया है यहाँ पर। हालांकि तुर्की खुद ने खुद ही इसराइल को मान्यता दे रखा था, तुर्की का पहले रुख अलग था, तैयबुल इर्दोगान के आने के बाद रुख अलग है। अब क्या है कि ये जो सऊदी अरब है ये इस्लामिक देशों का एक संगठन बनाया है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री IOC। अब पाकिस्तान भी IOC का सदस्य है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि तुर्की को मिला ले, ईरान को ले ले अपने साथ, पाकिस्तान को ले ले और यहाँ से चाइना को ले ले और इधर से हम ले ले मलेशिया को। ये इन लोग अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है ताकि ये लोग पावरफुल रहें, इनके लिए चाइना एक नंबर फिट बैठता है। तो भारत सरकार को इसमें समझना चाहिए कि भाई साहब आप थोड़ा सा हस्तक्षेप करिए, थोड़ा अब चुपचाप दिल्ली में बैठने से नहीं होगा, जितना जल्दी से जल्दी हो इसराइल का मामला को सलटा लीजिए, वरना अगर ये वाला बेल्ट बनेगा ना तो तुर्की के पास टेक्नोलॉजी भी है, ईरान के पास पेट्रोलियम है, पाकिस्तान के पास आतंकवादी है, चाइना के पास पैसा है, इसके पास सी रूट है, एक नया समीकरण खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन कब बनते हैं कब बिगड़ते हैं कोई ठीक नहीं। अगर यहाँ ऐसा ही रहा सऊदी अरब बकलोलवा सबका कोई ठीक नहीं ना रहता, क्या करता है सब। यमन याद है आपको, यमन में हमारे यहां से हजारों लोग काम करते थे, भारत से यमन में रोजगार मिला था। सऊदी अरब हौती विद्रोहियों के लिए ईरान का दोस्त था यमन, इसने मार दिया, हॉस्पिटलों नहीं देखा, स्कूल नहीं देखा, कहीं जाके बम मार दिया। इस सबका कुछ लोल है, सब अपने में मर जाएगा, सभी सब एक ना एक दिन मर जाएगा। कभी कभी देखते ना हमको लगता है भाई सबसे अच्छा देश हिंदुस्तान है, सब सही है, ससुरा मरो, ये लड़ने का चीज है ससुरा, सिया सुनिए भाई यहाँ पे। तो भारत सरकार को भी इसमें इनिशिएटिव लीजिए भाई, मोदी जी आप दिल्ली से उठिए, यहाँ जाके समझाइए इन लोग को, जल्दी से जल्दी इजराइल मामला शांत हो जाए। क्योंकि अगर इजराइल मामला शांत हो गया तो भारत को बहुत फायदा है। रीजन क्या है कि हमको इजराइल से हथियार मिल जाएगा, ईरान शांत रहेगा पेट्रोल मिल जाएगा, अरब वाले शांत रहेंगे रोजगार मिलेगा। अगर फिलिस्तीन का मामला गया तो ईरान जाएगा, इजराइल जाएगा, फिर अरब जाएगा, रोजगार जाएगा, टेक्नोलॉजी जाएगा, पेट्रोल जाएगा, सब चल जाएगा। भारत को स्टेबल रखना जरूरी है। अब पाकिस्तान के सामने सांप और छछूंदर का हाल हो गया। पाकिस्तान जानता है कि सऊदी अरब लोल है, इसके पास केवल पैसा है, दिमाग नहीं है सऊदी अरब के पास। तो पाकिस्तान जो है वो अब सऊदी अरब क्या है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख से भी नहीं मिला, कहा भाग तोरा से हम ना मिलेंगे, और इससे पैसा कर्जा वापस मांग लिया, ला रहे तोरा पैसा दिए वापस लाओ। तो ये पाकिस्तान जो है इसके पास पैसा देने को नहीं था, तो चाइना से कहा है कि चाइना आप दीजिए हम इसको दे देंगे। आप इस पे बहुत हंसेंगे लेकिन जरा सोचिए कि हिंदुस्तान को कितना लॉस होगा। ये ससुरा पैसा देगा ना तो ये जो सड़क ले गया है CPEC और ये बंदरगाह ले गया है, कल को कहेगा कि ये बंदरगाह हमारी सेना का प्रयोग करने के लिए, नहीं तो हमारा पैसा चुकाइए। तो पाकिस्तान अब कहाँ से चुकाएगा, या तो इसे सऊदी देता था या तो इसको ये देता था, अब कौन देने वाला है, अमेरिका तो इसको देखना नहीं चाहता है, तो ये तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन में क्या सोचना चाहिए कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो इसका ही दुश्मन बनते जा रहा, हम लोग को दोस्ती मिला के इस सब चीज़ों को समझा के अच्छा से शांत कर लेना चाहिए, ताकि एशिया स्टेबल रहेगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे। यूरोप में इतना मचमच नहीं होता है, अमेरिका में नहीं होता है, ससुरा एशिया महाद्वीप है ऐसा जहाँ हमेशा बवाल होते रहता है। आई होप आप ये 100 सालों की जो दरमियान लड़ाइयाँ चली इसको समझ गए होंगे। इसका जो PDF वगैरह होगा वो जब इसको हम एप्लीकेशन पर डालेंगे तो आपको वहाँ एप्लीकेशन से इसका PDF मिल जाएगा। आप सब लोग को एप्लीकेशन का इंतजार है, हमको पता है, एक ही दिन में हम सबके लिए करेंगे, समझ में आ गया। बाकी आगे आप क्या सोचते हैं, हमारा तो अपना मानना है कि मोदी जी को इसमें हाथ बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि इंडिया पूरे वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरेगा, कि जिस समस्या को कोई नहीं सॉल्व कर सका इंडिया के सॉल्व कर लिया। आगे आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।